प्रभात बच्चों, कक्षा एक हिंदी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, कल हम कर रहे थे हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख का पाठ 19, ऋषि का आश्रम। बच्चों, यह पाठ हमने पढ़ लिया था और हम कर रहे थे पुस्तक में दिए गए अभ्यास। तो आज हम पहले जो हमने कल किया था उन अभ्यासों को दोहराएंगे, उसके बाद आगे का अभ्यास करेंगे। तो बच्चों, कल हमने पाठ को पढ़ा था और उसके बाद हमने पीछे दिए गए पाठ के अंत में दिए गए अभ्यास कार्य किए थे। तो पहला अभ्यास है सही वाक्य के सामने वाले फूल में हरा और गलत वाक्य सामने वाले फूल में लाल रंग भरो। तो बच्चों, यहाँ पे है क, ऋषि का आश्रम गंगा के किनारे था। ऋषि का आश्रम गंगा के किनारे था। तो बच्चों, पहला वाक्य ऋषि का आश्रम गंगा के किनारे था सही है, इसलिए आप इस पर इसे हरे रंग से भरेंगे। पहले फूल को आप हरे रंग से भरेंगे। उसके बाद ज्ञान और अक्षय फूल बीनने जंगल गए। तो बच्चों, क्या ज्ञान और अक्षय फूल बीनने गए थे? नहीं, ज्ञान और अक्षय लकड़ियां बीनने गए थे। तो आप यहाँ पे, क्योंकि यह वाक्य गलत है, तो आप फूल में लाल रंग भरेंगे। यहाँ पे वाक्य गलत है इसलिए आप इस फूल में लाल रंग भरेंगे। तीसरा वाक्य ग, वे जंगल में भटक गए। तो बच्चों, जैसा कि हमने पाठ में पढ़ा कि आंधी आ गई और बारिश होने लगा, जिसकी वजह से बच्चे जंगल में भटक जाते हैं, तो यह वाक्य सही है, इसलिए इसके सामने वाले फूल में हम कौन सा रंग भरेंगे? हम हरा रंग भरेंगे। उसके बाद ऋषि मशाल लिए दोनों को ढूंढ रहे थे। ऋषि मशाल लिए दोनों को ढूंढ रहे थे। तो बच्चों, यह वाक्य भी सही है, क्योंकि जब बच्चे गुम हो गए थे तो ऋषि मशाल लेकर उन्हें ढूंढने निकले थे, इसलिए उसके सामने वाले फूल में आप हरा रंग भरेंगे। इस तरह से बच्चों, हमने पहला वाक्य कर अभ्यास कर लिया है। अब हम करेंगे हमारा दूसरा अभ्यास। तो बच्चों, दूसरा भी आपने कर लिया होगा, क्योंकि ये सुलेख है। सुलेख यानी किसी भी चीज़ को सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में लिखना, बना करके लिखना, जिससे आपको लिखना भी आएगा और मात्रा जो दी गई है वो लगाना समझ में आएगा। तो आप इसे लिखने के बाद जोर जोर से पढ़ेंगे, फिर आपको पढ़ना भी आएगा, क्योंकि यहाँ पे जितने भी शब्द हैं, आज्ञा, आश्रम, वृक्ष, पुत्र, ऋषि, सब आपके संयुक्त अक्षरों से बने हुए हैं। तो आप संयुक्त अक्षरों का आपका अभ्यास भी हो जाएगा। तो आप इसे लिख करके, पढ़ करके, पढ़ने और लिखने दोनों का अभ्यास कर लीजिएगा। उसके बाद बच्चों, हमारा आखिरी अभ्यास है इस पाठ का, शब्द बनाओ। बच्चों, इस पाठ पुस्तक में दिए गए आखिरी अभ्यास में शब्द बनाओ है, जिसमें हमने 3 शब्द बना लिए थे, उसे एक बार दोहरा लेते हैं, फिर आगे का करेंगे। तो बच्चों, पहला था हमारा प्रश्न है, प्रश्न हमारा है शब्द बनाओ। श आधा ब द, शब्द ब ना ओ, शब्द बनाओ। अब इसमें पहला है, यहाँ पे बॉक्स बना हुआ है। अब इस बॉक्स में यहाँ पर यहाँ पे बच्चों पहला है म पर छोटी की मात्रा, मित्र और त्र, मित्र। उसके बाद मित्र यहाँ दिया नहीं है, हमने लिखा था, और यहाँ पे लिखा है च पे छोटी की मात्रा। तो हम ऐसा संयुक्त व्यंजन मिलाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे, जिससे दोनों अर्थपूर्ण शब्द बनते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे हम त्र अगर लिखते हैं तो आपका बन जाएगा मित्र और चित्र। आपको जो शब्द बनेंगे वो यहाँ पे है मित्र और चित्र। तो हम यहाँ लिखेंगे, पहला शब्द है चित्र और दूसरा शब्द है मित्र। यहाँ पे दूसरा शब्द आपका है मित्र। तो यहाँ पे त्र लगाने से बना मित्र और चित्र। त्र नहीं दिया था, दोनों में त्र है, दोनों शब्द में त्र है, तो एक व्यंजन यहाँ लिखने से आपके 2 अर्थपूर्ण शब्द बने। चित्र का मतलब होता है पिक्चर और मित्र का मतलब होता है दोस्त या फिर फ्रेंड। उसके बाद दूसरा है, यहाँ पे इसी तरह एक और बॉक्स है जिसमें हमें 2 व्यंजन दिए हैं, हमें एक व्यंजन और लगा करके शब्द बनाना है। तो एक शब्द तो बना हुआ है, हमें एक व्यंजन और लगा करके नया शब्द बनाना है। तो बच्चों, शब्द यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे जो शब्द बनेगा वो है र, र और शा।
रक्षा और कक्षा। तो यहाँ पे हमने र लिखा, हमने जब यहाँ र लिखा तो बना रक्षा और इधर से बना कक्षा, तो जो दो शब्द बन रहे हैं वो है कक्षा और दूसरा शब्द है रक्षा, रक्षा। यहाँ पे भी क्षा जो है, क्षा बच्चों संयुक्त व्यंजन है, यहाँ त्र संयुक्त व्यंजन था, यहाँ पे क्षा संयुक्त व्यंजन है। उसके बाद तीसरा है, फिर यहाँ पे हमारे पास बॉक्स है और बॉक्स में हमारे पास कुछ व्यंजन दिए गए हैं, व्यंजनों को मिला करके हमें यहाँ पे शब्द बनाना है। तो चलिए हम में कुछ यहाँ पे व्यंजन दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ दिया है री। अब री को मिला करके बनाएंगे, शी लिखा हुआ है, अब हमें एक और ऐसा व्यंजन यहाँ पे लिखना है जिससे शब्द बने ऋषि। एक और व्यंजन हम यहाँ बनाएंगे जिससे शब्द बनेगा ऋषि। अब दूसरा शब्द है कृषि, अब हम री की मात्रा, क्योंकि री दिया है तो हम री की मात्रा व्यंजन में लगा करके कृषि बनाएंगे। तो ये बन गया कृषि, तो दो शब्द बने, एक है कृषि और दूसरा व्यंजन है री, री शब्द का प्रयोग करके ऋषि, ऋषि। तो इस तरह से बच्चों यहाँ पे हमने तीन शब्द बनाए। पहला है चित्र, चित्र ची और मी के साथ त्र मिला के बनाया चित्र और मित्र। फिर यहाँ पे कक्षा दिया था, र मिला के बनाया रक्षा, कक्षा रक्षा। वैसे यहाँ पे री और शी दिया था हमने, क्री मिला करके कृषि और ऋषि दो शब्द बनाए। तो बच्चों यह थे कुछ शब्द जो हमने पिछले वीडियो में किए थे, आज हम कुछ और एग्जाम्पल्स लेके या उदाहरण लेकर के यहाँ पे करते हैं जो कि आपके पुस्तक में दिए गए हैं। अभी हम पहले पुस्तक का कार्य करेंगे, उसके बाद फिर हम अपनी तरफ से शब्द लेकर के करेंगे। तो हमारे पास अगला शब्द है बच्चों, यहाँ पे हम तीन तीन शब्दों को ले रहे हैं, यहाँ पर हम तीन तीन शब्दों को ले रहे हैं। तो यहाँ पे भी हमारे पास बॉक्स है, अब हमने लिया यहाँ पे ज, ज पर बिंदी, जंग, फिर यहाँ पे डैश और ल। उसके बाद है यहाँ पे ग, म पर बिंदी, उसके बाद दूसरा है तीन तीन अक्षर वाले श्रेणी में, दूसरा जो हमारा अभ्यास है एक दो तीन, यहाँ पे भी हमारे पास तीन व्यंजन हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे क, क और ड पे बड़ी की मात्रा री, फिर उसके बाद यहाँ पे दो डैश है। उसके बाद तीसरा है बच्चों, तीसरा एक दो और इसी तरह यहाँ पे दो बॉक्स और बने। अब यहाँ पे जो शब्द दिए गए हैं यहाँ पे भ, ट, क, भटक, उसके बाद यहाँ पे है क्री और यहाँ है श। अब हमें शब्द बन, ऐसा शब्द लिखना है जिससे कि शब्द बने। तो जैसे कि हम यहाँ पे लिखेंगे जंगल, सॉरी मंगल, मंगल दिया हुआ है। अब यहाँ जंग के साथ ग लगाएंगे तो बनेगा ग ल, हमने दोनों में ल कॉमन है उसी तरह से ग भी दोनों में कॉमन है, यहाँ मंग है यहाँ जंग है, तो यहाँ हमने लिखा मंगल मंगल और यहाँ हमने लिखा जंगल जंगल। तो जो शब्द बने, दो शब्द बने वो है ज पर बिंदी ग और ल जंगल, उसके बाद दूसरा शब्द है मंग ग ल मंगल और उसके बाद यहाँ पे है क कड़ी ककड़ी। उसके बाद हम ऐसे दो शब्द मिलाएंगे कि मिलता जुलता शब्द बने, तो हम यहाँ लिख सकते हैं क बीच में है तो क हमको लगाना है, पहले क की जगह हम ल लगा देंगे तो जाएगा ल कड़ी लकड़ी ककड़ी लकड़ी, तो शब्द बने वो है क कड़ी ककड़ी और दूसरा शब्द है ल कड़ी लकड़ी। तो इस तरह से बच्चों हमने यहाँ पे दो शब्द बनाए ककड़ी और लकड़ी। फिर उसके बाद है भ ट क भटक, अब यहाँ क्री और क है, कुछ ऐसा हम व्यंजन मिलाएंगे जिससे एक अर्थपूर्ण शब्द बने, तो हम यहाँ श अगर लगा देते हैं तो ये बन जाएगा कृषक। कृषि का मतलब होता है बच्चों खेती, कृषि का मतलब
खेती, और कृषि में अगर हम क मिला देंगे तो हो जाएगा कृषक यानी खेती करने वाला। तो यहाँ पे हमारे पास दो शब्द है, कृषक, कृषक, और दूसरा है भटक, भटक। तो बच्चों हम इन शब्दों को एक बार पढ़ के इनका अभ्यास करते हैं। शब्द बना जंगल, जंगल उसी से मिलता जुलता ग लगा करके हमने दूसरा शब्द बनाया, मंगल दिया था हमने दूसरा शब्द जंगल बनाया। उसके बाद ककड़ी, ककड़ी, ककड़ी से हमने यहाँ बनाया लकड़ी, क लिखा बीच में, आगे वाला व्यंजन सिर्फ हमने बदला है और शब्द बनाया लकड़ी, लकड़ी। उसके बाद है कृषक, कृषक, भटक दिया हुआ था और हमने शब्द बनाया कृषक। बच्चों कृषक, कृषि यानी खेती, और कृषक यानी खेती करने वाला, जो खेती करता है, जो कृषि करता है उसे हम कृषक कहते हैं। तो यहाँ पे ये था हमारा तीन शब्द शब्दों वाला। अब आगे हमें कुछ दो शब्दों वाले और भी दिए गए हैं, उनको करके हम अभ्यास करते हैं। तो बच्चों तीसरी पंक्ति में आप देख सकते हैं आपके बुक में हमें कुछ शब्द दिए गए हैं, जैसे कि दो दो शब्द दिए गए हैं। हम एक एल बनाएंगे, उसके बाद इसको ऐसे जोड़ देंगे, और उसके बाद हम जो यहाँ पे शब्द लिखेंगे वो कुछ ऐसे होंगे, ये हैं। तो यहाँ पे जो हमारे शब्द हैं जो शब्द हैं ये है भ, भ पर बड़ी की मात्रा, छोटी की मात्रा, भी, और क्षा, भिक्षा, ये है भिक्षा। उसके बाद हम ऐसा कोई शब्द मिलाएंगे एक और अर्थपूर्ण शब्द बने, ऐसा कोई व्यंजन लगाएंगे जिससे एक और अर्थपूर्ण शब्द बने। तो भिक्षा हम यहाँ बड़ा क्ष लगाएंगे तो बन जाएगा, हाँ बड़े क्ष पे छोटी की मात्रा लगाएंगे हो जाएगा शिक्षा, भिक्षा, शिक्षा। तो दो शब्द बने भ, भ पर छोटी की मात्रा, भी, और क्षा, भिक्षा, और ये बना शिक्षा, शिक्षा, शिक्षा। उसके बाद हमारे पास है, फिर हमारे पास यहाँ पे है बच्चों अगला शब्द है बां, ब पर आ की मात्रा, बां, बां, और ध पर बड़ी की मात्रा, धी। अब हमें एक ऐसा व्यंजन मिल लगाना है जिससे एक और शब्द बन जाए, तो बांधी से मिलता जुलता शब्द है आंधी, तो हम यहाँ आंधी, आ लिखेंगे बन जाएगा आंधी। तो शब्द बना ब पर आ की मात्रा बांधी, ब पर आ की मात्रा बांधी, ध पर बड़ी की मात्रा, ये हो गया बांधी। उसके बाद दूसरा है आ, आ पर चंद्रबिंदु और ध पर बड़ी की मात्रा आंधी, इस तरह से बना बांधी और आंधी। अब हो गया आखिरी, आखिरी में बच्चों हमारे पास है तीन अक्षर वाले शब्द वाला शब्द। अब चलिए हम इसको भी करते हैं, यहाँ पे आप दो शब्दों को लिखेंगे। तो यहाँ पे जो शब्द है वो है म पर आ की मात्रा और चंद्रबिंदु, मा, फिर है डैश, फिर है न पर आ की मात्रा, ना, उसके बाद है न और छ पर बड़ी की मात्रा, छी, यह छी न ना, छी न ना, उसी से मिलता जुलता शब्द मांगना। तो हम यहाँ लिखेंगे ग मांगना, हो जाएगा मांगना, छीनना, मांगना। तो इस तरह से बच्चों शब्द बना, पहला शब्द बना छी न ना, छीनना, और दूसरा शब्द बना म पर आ की मात्रा चंद्रबिंदु, मांग ग ना, मांगना। इस तरह से शब्द बना छीनना और मांगना। तो बच्चों यह था हमारा इस पाठ का आखिरी अभ्यास। अब इसके बाद हम करेंगे इस पाठ से संबंधित प्रश्न उत्तर। बच्चों शब्द हमने कर लिया था, कठिन शब्द हमने कर लिया था, अब हम करेंगे प्रश्न उत्तर। तो पाठ था हमारा ऋषि का आश्रम।
ऋषि के आश्रम से संबंधित हम प्रश्न उत्तर करेंगे। तो पहला प्रश्न है बच्चों, ऋषि का आश्रम कहाँ था? पहला प्रश्न है ऋषि का आश्रम कहाँ था? क्या आप बताएंगे बच्चों ऋषि का आश्रम कहाँ था? ऋषि का आश्रम कहाँ था? ऋषि का आश्रम कहाँ था? तो हम लिखेंगे ऋषि का आश्रम गंगा के किनारे था। किसके किनारे था? गंगा के किनारे। तो आज हम करेंगे इस पाठ से संबंधित प्रश्न उत्तर। प्रश्न उत्तर, प्रश्न उत्तर। अब पहला प्रश्न है प्रश्न एक। प्रश्न एक है ऋषि का आश्रम ऋषि का आश्रम आश्रम ऋषि का आश्रम कहाँ था? कहाँ था ऋषि का आश्रम कहाँ था? तो बच्चों उत्तर है गंगा के किनारे। ऋषि का आश्रम गंगा के किनारे था। तो चलिए हम आपको बताते हैं कैसे लिखेंगे, कहाँ की जगह हम गंगा के किनारे लिखेंगे। तो हम प्रश्न से ही शुरू करेंगे और पहले हम लिखेंगे उत्तर। उत्तर एक, उत्तर एक ऋषि का कपर आकी मात्रा का आश्रम आश्रम आश्रम। अब कहाँ था? कहाँ था की जगह हम लिखेंगे गंगा के किनारे। ऋषि का आश्रम कहाँ था हमने प्रश्न से लिख दिया, और कहाँ था हम लिखेंगे गंगा के किनारे था। तो हम यहाँ लिखेंगे कहाँ की जगह गंगा क पर एक ही मात्रा के थी ना रे गंगा के किनारे। ऋषि का आश्रम गंगा के किनारे था। उत्तर है ऋषि का आश्रम गंगा के किनारे था। पहला प्रश्न है ऋषि का आश्रम कहाँ था? उत्तर है ऋषि का आश्रम गंगा के किनारे था। उसके बाद प्रश्न दो, प्रश्न दो। अब बच्चों प्रश्न दो है हमारा, आश्रम में कौन कौन से जानवर घूमते थे? आश्रम आश्रम म पर एक ही मात्रा में कौन क पर अ की मात्रा कौन से जानवर घूमते थे? थ पर एक ही मात्रा थे। आश्रम में कौन कौन से जानवर घूमते थे? आश्रम में कौन कौन से जानवर घूमते थे? पाठ में आपने पढ़ा ऋषि का आश्रम गंगा के किनारे था और वहां पर मृग घूमते थे। कौन कौन से जानवर नहीं, एक ही जानवर घूमता था, मृग घूमते। तो हम लिखेंगे आश्रम में कौन कौन की जगह हम लिखेंगे मृग। कौन कौन की जगह हम लिखेंगे मृग, और से भी हटा देंगे। कौन कौन से जानवर आश्रम में मृग घूमता था, जानवर भी हटा देंगे और लिखेंगे कितने की जगह पर हम लिखेंगे आश्रम। उत्तर, उत्तर है दो। हम लिखेंगे आश्रम आश्रम म पर एक ही मात्रा में मृग घूमते थे। मृग घूमते थे आश्रम में, मृग घूमते थे। तो हम यहाँ लिखेंगे आश्रम में मृग घूमते थे। तो बच्चों पहला प्रश्न था ऋषि का आश्रम कहाँ था। हमने पाठ में पढ़ा कि ऋषि का आश्रम गंगा के किनारे था, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे गंगा के किनारे। उसके बाद आश्रम में कौन कौन से जानवर घूमते थे? आश्रम में मृग घूमते थे, मृग का मतलब हिरण। आश्रम में मृग घूमते थे, इसलिए हम लिखेंगे आश्रम में मृग घूमते थे। तो बच्चों इस तरह से हमने यह पहला और दूसरा प्रश्न लिख लिया। अब हम पढ़ेंगे हमारा तीसरा प्रश्न, इस पाठ का तीसरा प्रश्न।
तीसरा प्रश्न है बच्चों, तीसरा प्रश्न है आश्रम में कौन शिक्षा लेने आते थे। तीसरा प्रश्न है प्रश्न तीन, प्रश्न तीन है आश्रम 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 में मपरे की मात्रा में कौन कपरों की मात्रा कौन न कौन शिक्षा शिक्षा लेने शिक्षा लेने आते आते थे। आश्रम में कौन शिक्षा लेने आते थे, आश्रम में कौन शिक्षा लेने आते थे बच्चों, आश्रम में दूर दूर से बालक शिक्षा लेने आते थे। बालक का मतलब है यहाँ पे लड़के। आश्रम में तो हम यहाँ लिखेंगे, उत्तर में हम लिखेंगे आश्रम में आ श्रम आश्रम में बालक बालक दूर दूर से शिक्षा आश्रम में बालक दूर दूर से शिक्षा लेने लपरे की मात्रा लेने लेने आते आते थे। आश्रम में बालक दूर दूर से शिक्षा लेने आते थे। हमने पाठ में पढ़ा है कि पहले समय में जो बच्चे हैं वह स्कूल नहीं जाते थे, आश्रम में पढ़ाई करने जाते थे। और यह आश्रम इसे हम गुरुकुल भी कहते थे, स्कूल के तरह ही था, लेकिन वह जब तक इनके उनकी शिक्षा दीक्षा पूरी नहीं हो जाती थी तब तक वह वहीं रहते थे। और जो उनके गुरु थे उनसे न सिर्फ वह पढ़ते थे, उनकी सेवा भी करते थे और बाकी भी हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो भी काम होते हैं छोटे बड़े वह भी करते थे और अपना जीविका कमाना भी सीखते थे। तो यहाँ पे क्योंकि गुरु ही उनके सब कुछ हुआ करते थे, माता पिता या अध्यापक, तो वह गुरु का की बात मानते थे और उनकी आज्ञा का पालन करते थे। जैसा वह कहते जैसा वह सिखाते वो वैसा ही करते थे। तो प्रश्न है आश्रम में कौन शिक्षा लेना चाहते थे, आश्रम में बालक दूर दूर से शिक्षा लेना लेने आते थे। उसके पास बाद हमारे पास है प्रश्न चार, प्रश्न चार। तो बच्चों प्रश्न चार है ज्ञान और अक्षय कहाँ गए, ज्ञान और अक्षय ज्ञान ज्ञान और अपर औ की मात्रा और अक्षय अक्षय कहाँ गए, कहाँ गए ज्ञान और अक्षय कहाँ गए। तो बच्चों कहाँ गए थे ज्ञान और अक्षय, ज्ञान और अक्षय कहाँ गए थे, ज्ञान और अक्षय जंगल में लकड़ियां बीनने गए थे। तो हम लिखेंगे ज्ञान और अक्षय जंगल में लकड़ियां बीनने गए थे। उत्तर में हम लिखेंगे उत्तर चार, ज्ञान और अक्षय ज्ञान ज्ञान और अक्षय 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 जंगल में कहाँ की जगह हम उत्तर लिखेंगे, जंगल जंगल मपरे की मात्रा में लकड़ियां बीनने गए, लकड़ियां बीनने गए ज्ञान और अक्षय जंगल में लकड़ियां बीनने गए। तो बच्चों इस तरह से हमने यहाँ पे चार प्रश्न कर लिए। तीसरा प्रश्न है आश्रम में कौन शिक्षा लेने आते थे, आश्रम में कौन शिक्षा लेने आते थे, आश्रम में बालक दूर दूर से शिक्षा लेने आते थे। बच्चों हमने पढ़ा था पहले जमाने में गुरुजी लोग शिक्षा दिया करते थे और बहुत सारे गुरु हुआ नहीं करते थे, इसलिए बहुत दूर दूर से बच्चों को आकर के यहाँ रहना होता था और शिक्षा लेना रहता था। उसके बाद ज्ञान और अक्षय कहाँ गए, ज्ञान और अक्षय जंगल में लकड़ियाँ बीनने गए। तो बच्चों इस तरह से हमने चौथा प्रश्न भी कर लिया। अब हम करेंगे पांचवा प्रश्न। बच्चों
पांचवा प्रश्न है, दोनों बालकों को ढूंढने कौन आया। दोनों बालकों को ढूंढने कौन आया। तो बच्चों जैसा कि हमने पढ़ा, लकड़ियां बीनते बीनते देर हो जाता है और आंधी बारिश शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से अंधेरा हो जाता है और बच्चे रास्ता भूल जाते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दोनों बालकों को ढूंढने कौन आया। और जब अंधेरा हो जाता है और दोनों रास्ता भूल जाते हैं तो जो गुरुजी हैं वह लालटेन लेकर उन्हें ढूंढने आते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे प्रश्न पांच, दोनों दपरों की मात्रा दो, नपरों की मात्रा नौ, दोनों बालकों बा ल कपरों की मात्रा को, दोनों बालकों को ढूंढने कपरों की मात्रा को, ध ढक्कन ध ढूं चंद्रबिंदु उ की मात्रा ढूं ढने, दोनों बालकों को ढूंढने, दोनों बालकों को ढूंढने कौन आया, आ या आया, दोनों बालकों को ढूंढने कौन आया। उत्तर में हम लिखेंगे उत्तर पांच, उत्तर पांच में हम लिखेंगे दोनों बालकों को ढूंढने ऋषि आया। पूरा हम प्रश्न से लिखेंगे, कौन की जगह ऋषि लिखेंगे और आया की जगह आए बना देंगे, तो हो जाएगा द, द पर उ की मात्रा दो, न पर उ की मात्रा नौ, दोनों बा ल क पर उ की मात्रा को, दोनों बालकों को ढूंढने 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 ऋषि आए, दोनों बालकों को ढूंढने ऋषि आए, दोनों बालकों को ढूंढने कौन आया, ऋषि आए। तो हम यहां लिखेंगे ऋषि ढूंढने ऋषि आए। उसके बाद बच्चों हम लिखेंगे जंगल में क्या हुआ, आखिरी प्रश्न है जंगल में क्या हुआ। उत्तर में हम लिखेंगे, प्रश्न में हम लिखेंगे जंगल, प्रश्न सिक्स, जंगल ज बिंदी ग ल, जंगल में क्या हुआ, में क्या हुआ, क्यों लेट हुआ था बच्चों को, क्या हुआ था जंगल में, हमें वो लिखना है। तो जंगल में जोर से आंधी आई और पानी शुरू हो गया। तो हम उत्तर में लिखेंगे जंगल में, उत्तर जंग ग ल, जंगल में मपरे की मात्रा में जोर की बारिश शुरू हो गई, जोर की आंधी आई और बारिश और बारिश शुरू हो गई। तो बच्चों जंगल में जोर जोर से आंधी आई और बारिश शुरू हो गई, जंगल में जोर जोर से आंधी आई और बारिश शुरू हो गई। तो बच्चों पांचवा प्रश्न था दोनों बालकों को ढूंढने कौन आया, दोनों बालकों को ढूंढने ऋषि आया। उसके बाद जंगल में क्या हुआ, जंगल में जोर जोर से आंधी आई और बारिश शुरू हो गई। तो बच्चों इस तरह से हमने इस पाठ का अभ्यास भी कर लिया और प्रश्न उत्तर भी खत्म कर लिए हैं। अगले वीडियो में बच्चों हम आपके एक बार फिर आपसे मिलेंगे और हम आगे का
अभ्यास करेंगे। तो बच्चों इस पाठ के जो अभ्यास बचे हैं हम उसे करेंगे और पाठ को खत्म करेंगे। तब तक आप आज हमने जो भी पढ़ा आप उसे पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद हम आपसे एक बार फिर कल मिलेंगे। धन्यवाद।